हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम बर्न के केसेस में काफ़ी अच्छा डील कर रहे हैं, काफ़ी केसेस हम कर रहे हैं बर्न के केस में। जैसे सुबह आपको नागालैंड की लड़की का इंटरव्यू दिखाया था, इसी तरह हमारे पास धर्मेंद्र हैं, ये हमारे पास इंदौर से आए हैं, तो बंद करके जरा झांसी से आए हैं, और ये इनका थर्ड सेशन आपका ना, इनका भी थर्ड सेशन है, तो हम इनसे बात कराते हैं। इनका ये फेस जला हुआ है, यहाँ पर यहाँ से बर्न था, और इनसे बात करवाते हैं। धर्मेंद्र, आप जरा बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और मेरा थर्ड सेशन है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। काफ़ी हद तक ठीक हो गया ना, तो आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? सॉरी, मैं ये माइक लगाना भूल ही गया, अब दोबारा बता दो। सर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरा ये थर्ड सेशन है, और मतलब काफ़ी अच्छा, पहले से काफ़ी ठीक हो गया। ठीक है, तो पहले से इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और ये हम देखेंगे इसके बाद। वी आर प्लानिंग कि इनका बियर्ड ट्रांसप्लांट करके बिल्कुल नॉर्मल हमने इनका कर देना है, क्योंकि बियर्ड आने के बाद अगर हम थोड़ी सी हल्की सी बियर्ड रख लें तो इनका बिल्कुल भी स्कार नहीं दिखेगा। अदरवाइज़ क्योंकि कोई भी स्कार कहीं भी बॉडी पे आ जाए तो बिल्कुल ख़त्म नहीं, 100% ख़त्म नहीं होता, होता थोड़ा सा स्कार रह जाता है, बट उसको बियॉन्ड विजिबिलिटी रेंज में रखना पड़ता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये पहले तो कॉन्ट्रैक्चर वगैरह जितने भी हैं ये इनके ख़त्म हो जाएँ, स्किन स्मूथ हो जाए और स्किन में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, तो ताकि ग्राफ का टेकअप अच्छा हो जाए, उसके बाद हम स्किन हेयर ट्रांसप्लांट की हेयर ग्राफ्ट करेंगे, और ताकि इनकी अपीयरेंस बिल्कुल ठीक हो जाए, तो कोई भी बता नहीं पाएगा कि इनके पहले कोई बर्न हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपको भी इस टाइप की कोई फेस पे किसी भी टाइप का कोई भी स्कार है, चाहे वो बर्न का है, चाहे वो एक्ने का है, चाहे वो टांके का निशान है, चाहे कोई सर्जिकल स्कार है या कोई चोट का निशान है, कितना भी पुराना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब, और मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256-93566, और सेकेंड नंबर है 8453684636। तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। धन्यवाद।